1 2 3 4 5 आजकल सारे ऐसे वीडियो बना रहे हैं ना। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, मैं पहले ही काउंट कर लेती हूँ कि मैं कितने कपड़े दिखाने वाली हूँ। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोटल 15 आउटफिट एंड सारे जो है ना अंडर 500 है, कुछ अंडर 1000 है, क्योंकि जो अंडर 500 वाले कपड़े होते हैं ना उसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। कुछ कपड़े की क्वालिटी अच्छी लगी, कुछ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसीलिए अंडर 1000 रुपीज़ भी रखा है कुछ आउटफिट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको बहुत पसंद आएगी। एंड अभी चल रही है समर की सीज़न, तो अभी के टाइम पे ना ये सारे आउटफिट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड साथ ही साथ ये सारे बजट आउटफिट है, तो आप इजिली इन्हें बाय भी कर सकते हो और सारे की कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, रीसेलिंग के लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम पे जाना होगा, जो भी वीडियो मैं डालूंगी ना उसमें जो भी कपड़े होंगे रीसेलिंग के लिए वो आपको इंस्टाग्राम पे दिखेंगे वीडियो आने के बाद। तो वीडियो आने के बाद आप झट से जाओ इंस्टाग्राम पे, वहां आपको सारे ही कपड़े की रीसेलिंग प्राइस मिल जाएगी मेरी स्टोरी में, आप वहां से बाय कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, तो आज की हॉल जो है काफी इंटरेस्टिंग है, बैठ जाओ अपनी चाय या कॉफी लेके, क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी। आफ्टरऑल मैं 15 कपड़े की रिव्यू करने जा रही हूँ, 5 कपड़े की नहीं, तो थोड़ी सी तो लंबी होनी है ना वीडियो। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। पहले आपको ये बता दूं कि मेरी इंस्टा हैंडल है ग्लैमरी, तो ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वीडियो को फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये अनारकली कुर्ती, ये आप देख सकते हो, ये मैंने साइज एक्सेल में लिया है। इस पर फ्लोरल प्रिंट है और ये बहुत प्यारी मस्टर्ड येलो कलर में है, ये आप देख सकते हो, सी बहुत ही प्यारी है। इसमें आपको फुल फ्लोरल प्रिंट मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। और ये जो है ना जॉर्जेट फैब्रिक में है, तो आपको इनर में ना इस तरह की इनर की फैब्रिक भी मिल जाएगी, यहाँ आपको इंटरलॉकिंग मिल जाती है काफ़ी अच्छी खासी। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हाईली रिकमेंड करूँगी इसे। और इसमें जो है ना कोई भी बॉटम या दुपट्टा रिसीव नहीं है हुई है मुझे, यहाँ आपको सबकी जो रियल प्राइस है ना वो दिख जाएगी। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाली कुर्ती, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कुर्ती है। अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते हो आप मेरी मेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो, आप मेल पे मेरे से पूछ सकते हो जो भी ड्रेस की प्राइस है रीसेलिंग प्राइस, अगर आपको लेना हो तो मेल के थ्रू भी ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट मैंने ली है ये कुर्ती सेट, ये आप देख सकते हो, ये क्रेप फैब्रिक में है और इसमें जो है ना एल साइज मैंने लिया है और ये फ्लोरल प्रिंट में आप देख सकते हो। इसमें है ना आपको साइड स्लिट मिल जाती है और सारे साइज आपको मिल जाएंगे, जो भी साइज आपको पसंद हो आप ले सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ आपको इंटरलॉकिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड इसमें मुझे पैंट रिसीव हुई है कुछ इस तरह की, ये आप देख सकते हो, इसमें भी आपको पूरे फ्लोरल प्रिंट मिल जाती है। एंड इलास्टिक आप देख सकते हो, काफ़ी स्ट्रेचेबल इलास्टिक है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। साइड में मैं आपको पहनकर दिखा दूंगी और सबकी जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे एंड कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कॉटन कुर्ती सेट, ये भी बहुत प्यारी है, कॉटन में है, पिंक कलर है, पिंक एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन है, तो समर फ्रेंडली आउटफिट है ये, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। इसके ऊपर ना गोटा पट्टी के वर्क है, गोल्डन कलर की साइज इसकी 40 है और ये आप देख सकते हो अनारकली है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है ये। इसमें आपको गोटा पट्टी मिल जाती है, पिंक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन में काफ़ी प्यारी इसकी लुक है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें आप देख सकते हो आपको नेक पे काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, स्लीव्स पे भी आपको गोटा पट्टी मिलती है, कॉटन फैब्रिक है तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और इसमें जो है ना इनर में आपको इनर की फैब्रिक नहीं मिलती है क्योंकि ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग मिल जाती है आपको काफ़ी अच्छी, तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। कुर्ती सेट ये भी अंडर 1000 है। ओके, ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। इसमें आपको फ्रंट में ना जरी वर्क मिलेंगे जो कि बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो थ्रेड जैसी डिटेलिंग है। और इसमें आपको दुपट्टा पैंट दोनों ही मिलती है कुर्ती के साथ साथ, तो ये भी मैंने लिया है एक्सेल साइज में, ये आप देख सकते हो, रीसेलिंग पर्पज से ही मैंने लिया था क्योंकि मुझे रीसेल ही करने होते हैं वीडियोस के बाद। ये नायरा कट सूट है और इसमें आपको साइड में देख सकते हो कट मिल जाएगी, फ्रंट में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, 3/4 स्लीव्स मिलती है आपको, स्लीव्स पे भी आपको वर्क मिल जाते हैं। ये जो है ना कॉटन मटेरियल है तो समर्स में काफ़ी अच्छी रहेगी, अगर आप डेली वेयर के लिए लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो। और इसमें आपको इंटरलॉकिंग वगैरह भी मिल जाती है, तो कुछ भी आपको खुद से करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लेते हैं, कुछ इस तरह की पैंट है कॉटन फैब्रिक में, सी इस तरह की पैंट है, पैंट में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी इलास्टिक मिल जाती है आपको और इनर में आपको काफ़ी अच्छी इंटरलॉकिंग भी मिल जाती है। सो इसकी दुपट्टा की बात करें तो दुपट्टा भी बहुत अच्छी रिसीव हुई है मुझे, ये आप देख सकते हो,
कॉटन फैब्रिक में दुपट्टा भी है, 2.5 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, तो लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। प्योर कॉटन मटेरियल है तो समर्स में ना आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। अगर आप ऑफिस कॉलेज जाते हो ना एंड इस तरह के आउटफिट प्रेफर करते हो तो आप ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि ऑफिस और कॉलेज के लिए आप यही यूज़ करो, अगर आप इस तरह की आउटफिट यूज़ करते हो तो आप ये वाली आउटफिट ट्राई करना। ओके, अच्छा है ये, अगेन मैंने कॉटन फेब्रिक में ही लिया है, 540 रुपीज की है ये, क्योंकि इस पर लिखी हुई है इसलिए मुझे याद है। देन आपको पैंट और कुर्ती का सेट मिल जाता है। सो ये आप देख सकते हो, कुर्ती कुछ इस तरह की है, कॉटन फेब्रिक है, इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट है आप देख सकते हो, एंड यहाँ आपको साइड स्लिट भी मिल जाती है इसमें। तो ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है, बैक साइड आप देख सकते हो सेम है, और इसमें जो है ना आपको पैंट मिल जाती है, ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी पैंट मिलती है आपको कॉटन फैब्रिक में अगेन, और काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रास्ट में भी है। आप देख सकते हो इलास्टिक काफ़ी स्ट्रेचेबल है इसकी, और इसमें आपको इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं मिलती है। ये आप देख सकते हो पैंट में इंटरलॉकिंग नहीं, बस कुर्ती में इंटरलॉकिंग है। तो इसकी भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कुर्ती सेट है, टील ब्लू कलर में है ये, एंड इस पर आप देख सकते हो गोल्डन प्रिंट मिल जाती है आपको, सी कुछ इस तरह की गोल्डन प्रिंट मिल जाती है आपको, साइड स्लिट मिलता है इसमें सी, और इसकी जो इंटरलॉकिंग है ना वो आपको दिखा दूँ, यस इंटरलॉकिंग भी हो रखी है, फ्रंट एंड बैक दोनों ही सेम है, एंड इसमें आपको 3/4 स्लीव्स मिलेगी, और इसमें दुपट्टा नहीं मिलेगी आपको, बॉटम में मिलती है प्लाजो, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको गोल्डन प्रिंट मिल जाती है, एंड यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी इलास्टिक मिलती है आपको, और इसमें भी आपको इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी आउटफिट लगेगी। मैंने एक वन पीस मंगाया है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की मेहंदी ग्रीन कलर की वन पीस है, एंड इस पर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे थ्रेड वर्क है, ये जो आप देख रहे हो ना वर्क, ये थ्रेड वर्क है, सिक्वेंस या जड़ी वर्क ये सब नहीं है। यहाँ आपको डोरी मिल जाती है फ्रंट में, स्लीव्स भी काफ़ी प्यारी है, स्लीव्स पर भी आपको हैंडवर्क मिलते हैं, और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, ये आपको नी लेंथ तक आएगी। इसे मैंने जो साइज़ लिया है वो एम साइज़ है, आपकी साइज़ एम हो तो आप ले सकते हो मेरे से, या फिर अगर आपकी साइज़ इससे डिफरेंट है तो आप। नेक्स्ट मैंने लिया है ये मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता सेट, ये भी बहुत प्यारी है, ओपन करके देखते हैं। ताकि ये येलो एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, सो सी कुछ इस तरह की कुर्ती है, बिल्कुल मस्टर्ड येलो कलर है, एल साइज है इसमें, एंड ये आप देख सकते हो पूरी कुर्ती प्लेन है, फ्रंट में बस आपको प्रिंट मिल जाती है, गोटा पट्टी मिल जाती है, 3/4 स्लीव्स मिलते हैं, एंड प्योर कॉटन मटेरियल है ये। और इसमें जो है ना मुझे पैंट मिली है, ये आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल मस्टर्ड येलो कलर में है, और ये आप देख सकते हो बॉटम में आपको सेम प्रिंट मिलती है जो आपको कुर्ती के गले पे दी गई है। ओके, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ ग्रीन बॉटल ग्रीन कलर का दुपट्टा मिलता है, और इस पर गोल्डन लाइनिंग दी गई है, ये आप देख सकते हो, 2.5 मीटर इसकी भी लेंथ है, बट इसकी विड्थ की बात करें तो ये इसकी विड्थ इसकी ज़्यादा नहीं है। सो नेक्स्ट मैंने एक ड्रेस लिया है, ओपन करके देखते हैं ये कैसी आई है। है ना कुछ इस तरह की ड्रेस है, ऊपर की पोर्शन इसके ऊपर येलो कलर की ना फ्लावर प्रिंट है, ये आप देख सकते हो, एंड यहाँ आपको काफ़ी अच्छी इलास्टिक मिल जाती है, स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, ये भी एडजस्टेबल है, एंड इसके ऊपर से ना मुझे इस तरह की जैकेट मिली है, सी इसे आप टाई कर सकते हो फ्रंट से, मैं आपको पहनकर साइड में दिखा दूंगी, काफ़ी अच्छी लुक है, इसे तो आप ज़रूरी लेना, डे टू डे लाइफ के लिए बेस्ट आउटफिट है ये। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये कुछ इस तरह की कुर्ती सेट है, ये थोड़ी सी महंगी है, आई थिंक ये 1000 से थोड़ी ऊपर की है, और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आई है, और इसमें जो है ना आपको दुपट्टा मिलता है सिफोन का पिंक कलर का, आप देख सकते हो इसके ऊपर आपको गोटा पट्टी मिलती है, सी इस तरह की गोटा पट्टी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी दुपट्टा है, 2.5 मीटर इसकी भी लेंथ है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉम्बिनेशन इसकी बहुत अच्छी है। तो नीचे बॉटम में ना आपको इस तरह की प्लाजो मिलती है पिंक कलर की, रेयॉन फैब्रिक में है ये, इलास्टिक आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। कुर्ती जो है ना ये मैंने 42 बस्ट में मंगवाया, डबल एक्सल, ये आप देख सकते हो पाउडर ब्लू कलर की कुर्ती है, एंड इसके ऊपर पिंक की हिंट है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, एंड बॉटम में इसके भी आपको गोटा पट्टी मिलती है सिल्वर कलर की, ये आप देख सकते हो, इस तरह की आपको बॉटम में गोटा पट्टी मिल जाती है, और यहाँ आपको फ्रंट में ना
फ्रंट में आपको इस तरह की डोरी मिलती है, इसमें लटकन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे टेसल्स इसमें लगे हुए हैं, लुक इसकी बहुत अच्छी है, प्योर कॉटन मटेरियल। पट्टा जो है ना वो सिफोन में है, बॉटम इसकी रियोन में है एंड जो कुर्ती है वो कॉटन में है, ओके प्योर कॉटन। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी कुर्ती सेट है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी एक कुर्ती सेट है रेड कलर की। ओपन करते हैं इसको, कुछ इस तरह की कुर्ती है रेड कलर की, रेयन फैब्रिक में है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेड है, बिल्कुल रस्टी रेड कलर होती है वो है। इसके ऊपर फॉइल प्रिंट है, बट आप इसे अगर वॉश करोगे ना तो ये फॉइल प्रिंट निकल जाएगी एंड जहाँ फॉइल प्रिंट है वहाँ ब्लैक हो जाएगा। तो आप ध्यान से लेना, अगर लेना हो तो लेना, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग तो सही है बट क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें स्लीव्स आप देख सकते हो, कुछ इस तरह की स्लीव्स है, इस पर भी आपको फॉइल प्रिंट मिलती है और एल साइज में मैंने लिया है। इसकी जो दुपट्टा है ना ये भी कॉटन फैब्रिक में है एंड इसके ऊपर भी फुल फॉइल प्रिंट मिलती है आपको, ये आप देख सकते हो। लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है एंड सच बता रही हूँ, अगर आप इसे वॉश करोगे तो इसकी प्रिंट निकलेगी, ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको तो भी लेना हो तो ही आप इस ड्रेस को लेना। ठीक है, मैं आपको आउटफिट दिखाने जा रही हूँ, ये भी थोड़ी सी 1000 से ऊपर की है, ये आप देख सकते हो, स्काई ब्लू कलर की है, ये अनारकली है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आई है। 1000 से ऊपर जैसे ही आप जाते हो ना पैकेजिंग चेंज हो जाती है, आपने नोटिस किया ना, मैंने भी किया। तो ये आप देखो इस तरह से है ये, और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, वीनेक मिलती है एंड बैक से आप देख सकते हो काफ़ी डीप नेक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, 3/4 स्लीव्स मिलती है आपको एंड ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी घेर है इसमें। बॉटम में ना आपको इस तरह की गोटा पट्टी मिल जाती है एंड नीचे आपको मिलती है इनर की फैब्रिक, और इसके साथ मुझे दुपट्टा रिसीव हुई है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में ही। दुपट्टे की लेंथ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लेंथ है, फ्लोरल प्रिंट है इसके ऊपर एंड साइड में गोटा पट्टी का वर्क है, इसे बॉटम नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हो, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको एक और आउटफिट दिखाने जा रही हूँ, ये थोड़ी महंगी है, थोड़ी नहीं बहुत महंगी है, 2000 तक की है, बट ये पार्टी वेयर आउटफिट है एंड मुझे पता है पार्टी वेयर आउटफिट भी आप लोगों को देखना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें एक पार्टी वेयर इंक्लूड किया है। तो इसको देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा अभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पटियाला सूट आ रखे हैं मीशो पे, उसमें कुछ तो मैंने मंगवाया था तो मुझे कुछ और ही रिसीव हो गया था, वो मैं कभी बताऊंगी फिर आपको, उसमें मुझे चादर वादर रिसीव हो गया था। अगर आपको ये सारे देखने आना तो मेरी शॉर्ट्स को जरूर फॉलो करना, उसमें मैं अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ, उसमें जो भी अनबॉक्सिंग में निकलेगा ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये आप देखो इस तरह की पटियाला सेट है, बहुत अच्छी कलर कॉम्बिनेशन है इसकी। दुपट्टा आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पिंक कलर में है, सी जॉर्जेट फैब्रिक है, साइड में आपको इस तरह की मिल जाती है लेस एंड इस पर सीक्वेंस एंड थ्रेड का वर्क है, 2.5 मीटर इसकी लेंथ है, और नीचे बॉटम में जो पटियाला है ना वो ये पिंक कलर में है, ये आप देख सकते हो, इस पर बहुत हेवी वर्क है, पास से आप देख सकते हो सीक्वेंस के वर्क है इसके ऊपर, और ये फुल्ली स्टिच है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी इलास्टिक मिल जाती है, इंटरलॉकिंग वगैरह भी दी गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी जो कुर्ती है ना ये टील ब्लू कलर में है, सी टील ब्लू कलर की कुर्ती मिलती है, पूरी कुर्ती पे आपको वर्क मिलता है, ये आप देख सकते हो, और इसमें आपको स्लीव्स मिल जाती है, 3/4 स्लीव्स, फ्रंट एंड बैक दोनों में ही वर्क है, कुर्ती की बैक में वर्क नहीं है, ओके। इसमें आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग वगैरह भी दी गई है एंड इनर की फैब्रिक भी आपको मिल जाती है। तो इसकी भी साइड में लुक दिखा दूंगी, अगर अच्छी लगे तो आप ले सकते हो, मीशो से ले सकते हो, रीसेलिंग पे लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको स्टोरी में सब कुछ मिल जाएगी, मीशो की हाईलाइट में भी मिल जाएगी, ओके। तो चलिए मिलती हूँ मैं इसी तरह की हॉल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कि